द यूनिफॉर्मिटी ऑफ इट, वो बच्चा कहीं भी जारी नहीं लगता. द वे शी मिक्सेस द पैलेट जो है, कहीं भी आप देखो तो कोई भी चीज़ आपको ऐसा जारी नहीं लगती. डजंट थ्रो यू ऑफ एंड देन इट पुल्स यू इन डीपर एंड यू वांट टू गो इन एंड लुक एंड फिगर आउट व्हाट वाज गोइंग थ्रू हर हेड व्हेन शी वाज डूइंग इट. दैट इज व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग. मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे इस एग्जीबिशन के बारे में? अनुराग सर यहाँ पर है, क्या कहना चाहेंगे? I'm truly honored. मैं in fact I was waiting for Mr. Anurag. हमारी दोस्ती last year ही हुई है. हाँ जी. But मैं बहुत I'm feeling honored that he took out time और that's it. सर आपसे जानना चाहूँगी आर्ट को किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह से explain करना चाहेंगे? यार आर्टिस्ट को ना दुनिया दे देनी चाहिए चलाने के लिए. मैं सच्ची बता रहा हूँ, सच्ची दुनिया वही चला सकते हैं. उन्हीं के अंदर एक्चुअली विजन होता है, एम्पैथी होती है, सेंसिटिविटी होती है और दुनिया उनको दे देनी चाहिए चला देखे. So, आज आपने इतने सारे पेंटिंग्स देखे, कौन सा सबसे प्यारा? ऐसा कुछ नहीं, मैं किसी आर्ट के बारे में ये नहीं कभी कहता हूँ कि उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, रेस नहीं है. तो एक मूड होता है, तो मेरे लिए क्यूरियोसिटी होती है. जब मैं देखता हूँ तो आई वॉन्ट टू नो हर वॉट इज गोइंग. अभी इनकी पोएम मिली है, मैं पोएम पढ़ूंगा, फिर पोएम के साथ पेंटिंग देखूंगा, फिर मैं समझ में आएगा क्या. It's a thing you want to get into a person's head. Upcoming projects और क्या कुछ आ रहे हैं आपके? अभी तो lockdown नहीं है, चल रहा है बस. Lockdown अभी कभी theater cinema खुलने दो, बड़ी फिल्में निकलने दो, फिर हमारी आएगी उसके बाद. बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. ऐसा मेरी पहली फिल्म से ही हमने काफ़ी कुछ यूज़ किया जो रिलीज नहीं हुई थी 5. आप गुलाल भी देखोगे, इसमें हमने गोया की पेंटिंग बैकग्राउंड में कितनी यूज़ किए. तो इसे मैं रेगुलरली यूज की है मैंने काफी सारी. तो कोई फिल्म जो आपको वेट कर रही है सब देखने के लिए आपके अलावा, एनीथिंग दैट यू आर इस समय? हां, अभी तो गंगूबाई आ रही है, मैं वो देखना चाहता हूं. सर आपसे जानना चाहूंगी, आप सोशल मीडिया पे बहुत खुलकर बात करते करते थे, पंजाब का जिस तरह से कर्नाटक में चल रहा है उसके आपकी क्या कुछ ओपिनियन होगी ये जानना चाहूंगी. मेरे ओपिनियन से क्या होता है? मेरे ओपिनियन से कंट्रोवर्सी होती है, कुछ नहीं होता. मेरा ओपिनियन मत क्यों पूछो तो अच्छा. सर मैटर करता है क्या कुछ आप बोलना चाहिए? कुछ नहीं होता. आई थिंक अभी सब लोग एक मत हैं कहीं ना कहीं, जो कुछ भी हो रहा है. और जो कहना चाहते हैं वो जनता के पास पावर है, इलेक्शन में कहेगी, कह रही है, देखते हैं. थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू. सबसे पहले बताइए कि पेंटिंग्स में कितनी रुचि रखती है और नाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे पेंटिंग्स हैं यहाँ पर, देखिए आपने कैसे लिखे. मुझे बहुत पसंद है पेंटिंग्स पर्सनली, क्योंकि मुझे लगता है हर एक आर्टिस्ट को बहुत पसंद आती होगी ऐसी एनी आर्टिस्टिक चीज़ें, क्योंकि आपको हर एक पेंटिंग में एक इमोशन दिखती है. एंड आई रियली रियली लाइक दैट. एंड ऑफकोर्स संतरा आंटी मेरी आंट है, इनफैक्ट मेरे डैड के क्लासमेट की वाइफ है, तो हम लोग एक फैमिली हैं. सो इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर मी टू सी हर डूइंग सो वेल. शी इज़ सो टैलेंटेड, शी हैज़ सच यूनिक पेंटिंग्स. मैं इससे पहले भी उनके एग्जीबिशन में आई हूँ एंड शी इज़ गिफ्टेड मी हर वन ऑफ अ पेंटिंग्स. आई हैव बॉट वन पेंटिंग, आई हैव बिकम अ आर्ट कलेक्टर आफ्टर मीटिंग हर. सो बिग कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम हर साइड, बिकॉज मतलब पेंटिंग्स के बारे में पता थी बट उसकी गहराइयां मुझे अभी पता चली है. मैम क्या कहना चाहिए? अनुष्का इतना अच्छा कर रही है अपने करियर में, आज यहां पर सपोर्ट करेंगे. अनुष्का को देख के आई फील सो प्राउड. मुझे लगता है मेरी बेटी है. आई डोंट हैव डॉटर, तो शी इज लाइक माय डॉटर. स्वीट, थैंक यू. ओके मैम, जानना चाहूंगी आपसे क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है जो ऑडियंस को देखने को? अपकमिंग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो लाइन अप हैं, मार्च में आने वाली है बहुत जल्दी. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू रिवील एवरीथिंग टू यू गाइस. बट यही कहना चाहती हूँ कि पिछला साल बहुत ही अच्छा रहा है मेरे लिए एंड एक मोटिवेशन रहा है इनफैक्ट, क्योंकि इट हैज़ डेफिनेटली बीन वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स फॉर मी करियर वाइज. सो आई एम होपिंग कि वही मोटिवेशन लेते हुए मैं 2022 और अच्छा करूँ. रिसेंटली आपने गंगूबाई पे एक डील बनाया, बहुत ही ज़्यादा वायरल हो चुका है और अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, क्या भी बोलना चाहेंगे आप? मुझे बहुत अच्छा लगा रेस्पॉन्स देख के, कि मैं जस्ट मुझे अच्छा लगा. मैं आलिया भट्ट की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आई रियली रियली एडमायर हर वर्क. तो मुझे लगा कि क्यों ना एक रील बनाया जाए, और मैंने रील बनाया और वो लोगों को बहुत अच्छा लगा. सो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द फैंस कि आप इतना सपोर्ट करते हैं नो मैटर व्हाट. आई जी नहीं, मैं लॉकअप में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ एंड आई जस्ट विश कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट टू एकता मैम एंड कंगना मैम. क्या कुछ ये आपको ऑफर किया गया था लॉकअप?
जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऑफर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स हैव बीन ऑफर टू मी राइट नाउ, बट उसमें से कौन सा मैं कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ मैं आपको बताते रहूँगी, बट डेफिनेटली आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग इन लॉकअप, बट आई विश ऑल द बेस्ट टू द एंटायर टीम ऑफ लॉकअप. जी ऑफकोर्स, मतलब पेंट करना मुझे बहुत पसंद है. थोड़ी थोड़ी मैं स्मॉल कैनवस पे बनाती हूँ तो वो एक मेमोरी तो डेफिनेटली है, बट एक मेमोरी मेरी हर दिन ऐड होती है वो है कि उन्होंने मुझे गिफ्ट की बहुत सुंदर सी पेंटिंग जिसमें कृष्णा और मीरा की पेंटिंग है. तो वो मीरा की पेंटिंग है बट अगर आप ध्यान से देखें तो हल्का सा कृष्णा, बहुत सुंदर सी पेंटिंग है वो. तो जितनी बार मैं देखती हूँ जस्ट यू नो मेक्स मी फील रियली अमेजिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ये सारा मेरा अभी जो सीरीज है दिस इज माइंड्स फेयर, जिसे हम बोलते हैं ना कि हमारे दिमागों पे कई सारी चीज़ें चलती हैं, कई सारी चीज़ें कॉन्शियस माइंड में होती हैं, कई सारी चीज़ें अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं. तो हिडन स्फीयर्स ऑफ माइंड है मेरा करंट सीरीज, उसमें जितने भी एस्पेक्ट्स हैं माइंड से रिलेटेड वो आपको देखने को मिलेगा. नहीं, ये सबके लिए, हमारे लिए सबके लिए चैलेंजिंग है. हमने ये दो तीन बार लॉकडाउन देखा. ये अभी पैंडेमिक नहीं, ऐसा बोलते कि ये एंडेमिक हो गया, कि थोड़ी सी एक जो हमारी लिस्ट थी बीमारियों की, वो बीमारियों की लिस्ट में ये ऐड हो गया. तो हमें साथ में ये सब कंसिडर करके चलना होगा अभी, क्योंकि जब सारा वर्ल्ड सफ़र हो रहा है तो हम भी थोड़े बहुत सफ़र होंगे. आर्टिस्ट ऑफकोर्स आर्टिस्ट भी सफ़र होंगे. और इसमें ये है कि पिछले दो साल में जो गैलरीज, आर्ट गैलरीज थी, ज़्यादातर टाइम कोविड की वजह से बंद थी, और बीच बीच में जब खुल रही है तो ये आर्टिस्ट का स्पिरिट है. बिकॉज इवन ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स दे आर वर्किंग फुल टाइम इन द स्टूडियो. और यहाँ अगर अंतरा का काम देखा जाए तो आई एम फॉलोइंग हर वर्क फ्रॉम ऑलमोस्ट वन डिकेड. ओके, सो देर इज नथिंग विच इज़ नॉट देयर इन द आर्ट. मतलब सिम्बोलिज्म से लेकर ढेर सारा यहाँ पे, आई वोंट कॉल इट फेमिनिज्म और समथिंग, बट यस द हर वर्क इज वुमन सेंट्रिक. ऑफकोर्स उनके जो जैसा उन्होंने कहा कि उनके माइंड में जो कुछ चलता है, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से एक झोड़िया साइंस पे सीरीज बनाई गई है. अभी झोड़िया पे साइन पे पेंटिंग बनाना इज़ अ वेरी चैलेंजिंग जॉब, बिकॉज हर एक झोड़िया साइन जो है, लियो ले लीजिए, कैंसर ले लीजिए, पीसेस ले लीजिए, वर्गो ले लीजिए, इनके हर एक के अपने अपने ट्रेड होते हैं. जो बेजान दारू वाला लिखते थे वो इन्होंने विजुलाइज करके कैनवास पे लाया है, एंड दिस इज वेरी एक्सलेंट काइंड ऑफ सीरीज. आप उसको देखेंगे, एक एक पेंटिंग को आपको कम से कम 5 मिनट लगेगा, एंड देन हर एक पेंटिंग, अभी ये पेंटिंग में जाएंगे आपको 6-7 आग दिख रही है, अलग अलग उसमें से फिगर्स बाहर आ रही हैं. सो एवरी टाइम आपको ये पेंटिंग, मुझे नहीं लगता कि वन रीडिंग में सफिशिएंट होगा. यू हैव टू हैव मल्टीपल रीडिंग टू रीच एट व्हाट अंतरा वांट टू से. ओके, सो ये जो उनकी पेंटिंग्स है समझने में आसान भी है लेकिन उतनी कॉम्प्लेक्स भी है. मैम आपसे जानना चाहूँगा, फाइनल आउटपुट तो लोग देख ही रहे हैं लेकिन इसके पीछे की जो मेहनत है, जो प्रिपरेशन है, अगर उसके बारे में कुछ बताया हमारे ऑडियंस को. ये सी ऐसा होता है ना कि आर्टिस्ट का काम बहुत ही कॉन्स्टेंट होता है, ये एक प्रोसेस होता है, ये चलता रहता है. मोटिवेशन कॉन्स्टेंट चाहिए होता है, जो कि अंदर से आना बहुत ज़रूरी है. वो अपने आप को हाईली मोटिवेटेड रखना भी बहुत मुश्किल होता है समटाइम्स. बट सिंस आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, तो मुझे रीडिंग बहुत हेल्प करती है. जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे मोटिवेशन भी बहुत मिलती है और क्लैरिटी आती है थॉट्स में, और आसान होता है मेरे लिए पोर्ट्रे करना किसी भी चीज़ में. यहाँ राजेंद्र जी ने जो जितनी मुझे हेल्प करी है, ये इज़ ऑलवेज बीन विथ मी. हमेशा इन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है बहुत ज़्यादा, और मेरे लिए बहुत सपोर्टिव रहा है, इनकरेजिंग रहा है. साथ ही अनुराग सर ने जैसे कहा कि आपके हस्बैंड भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं आपको, बहुत सपोर्टिव. इस बारे में कुछ बताया कि जी का बैक सपोर्ट हमेशा, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रहे हैं. बिना सपोर्ट के बोलते हैं, हस्बैंड के बिना सपोर्ट के काम बहुत मुश्किल होता है. जैसे वाइफ के लिए मुश्किल है, वैसे हस्बैंड के लिए भी मुश्किल है.
तो बहुत सपोर्टिव रहे हैं हमेशा, क्योंकि आर्टिस्ट का मूड स्विंग्स इतना होता है कि उसको ही आपको मैचअप करना बहुत मुश्किल होता है. एक स्पेस चाहिए होती है आर्टिस्ट को काम करने के लिए, तो ही हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लीनियंट और हमेशा स्पेस दिया काम करने के लिए, और इट्स बीन माई बैकबोन आई वुड से. बॉम्बे सोसाइटी में इवन जहांगीर आर्ट गैलरीज में और दिल्ली में बैंगलोर में जो बड़ी बड़े शहरों में भी ऑलमोस्ट सारे कला आर्ट गैलरीज ओपन हो गई है और रेगुलर शो शुरू है. इनफैक्ट परसों हमारी दूसरे गैलरी नंबर 2 में शो ओपन हुआ है, तो वीकली अभी शोज ऑन रहेंगे. क्योंकि लकीली ये अगर कहा जाए तो केसेस भी काफ़ी कम आ रही है, अभी कोविड केसेस पूरे इंडिया में कम हो गए. मुंबई में तो मुझे लगता है 150-200 तक कुछ ऐसा आ रही है, तो ऑलमोस्ट यहाँ अगर देखेंगे तो उत्साह इतना बड़ा है, तो दैट्स अ स्पिरिट. सो शोज विल कंटिन्यू नाउ, वीकली शोज आर स्टार्टेड. सो यहाँ पे बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में भी हर हफ्ते एग्जीबिशन रहेगी. No, I really want to congratulate Andhra for organizing this. I think last 2 years has been very difficult for all of us, and her previous exhibition just got cancelled in the last year. So she has put in a lot of effort to make it happen, and I'm really happy that finally we are able to see some of her best work. As you all can see, I mean they are very very evocative. Very complex and layered painting she does. I mean, all her painting, if you see, has multiple perspective, multiple color combinations, and yet it has the symmetry and it has the balance that is very, very difficult to achieve. So I'm very, very happy that she has put up this, and people will be able to see her brilliant work, and I wish her all the best. Thank you so much.